आप लोगों को छतराने भी लेके जा रहे हैं जी। अभी मुझे पता चला कि कल मेरी जमानत हो गई थी और आज एक और केस में मुझे जज के सामने पेश किया जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि चतराल पुलिस भी मेरे पीछे आई और मुझे इतलाए अपर चतराल के, और मुझे इतलाए कि हो सकता है रास्ते में मुझे उठाया जाए और मुझे जो भी नुकसान होगा तो आप लोगों को पता है कि मेरी जिम्मेदारी किस पे होगी, क्योंकि जिनके कहने पे एफआईआर झूठी एफआईआर मुझ पर काटी जा रही है। मेरी जो है चीफ जस्टिस से भी अपील है कि वो इन झूठी एफआईआरों का नोटिस ले, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है और मुझे सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही कि मैं खान से वफादारी निभा रहा हूँ। लेकिन मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं खान को नहीं छोड़ूंगा, ये आप याद रखें। लेकिन मेरे मौत के जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनकी वजह से मुझ पर काटी जा रही है। आई एल एफ के वकील साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात हर जगह पे हर फोरम पे उठाए और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है रास्ते में हो सकता है मुझे उठाया जाए और हो सकता है मुझे गायब किया जाए या मुझे कत्ल किया जाए, लेकिन खान को मैंने नहीं छोड़ना। खान कल भी जिंदाबाद, खान आज भी जिंदाबाद और मेरे मौत के बाद भी खान जिंदाबाद।